नमस्ते माय डियर व्यूअर्स, आज जन्माष्टमी है, इसलिए घर में पूजा उजा करने के बाद, प्रसाद उसाद देने के बाद कान्हा जी को सारे भगवान को ही कान्हे के साथ। अभी मैं मंदिर निकल रही हूँ, ये शाम का 6 बज रहे हैं। ये त्यागराज स्टेडियम के पास में ये मंदिर है, यानी कि कल में 5-6 मंदिर भ्रमण करा, जितना भी रास्ते में थे सारा मंदिर में। ये वाला त्यागराज स्टेडियम का एकदम जस्ट बगल में है, ये हनुमान जी का मंदिर है, सारे भगवान ही है, और साइड में साथ में प्राचीन शिव मंदिर भी है। ये कान्हा जी के लिए ये देखिए कितना सुंदर से सजाया है, कान्हा जी के लिए पालकी भी सजाया था, कितना सुंदर से पूजा उजा करके रखा था। ये दर्शन के ये देखिए कितना सुंदर से सजा के रखा है, बहुत ही ये देखिए राधा कृष्ण के लिए। हालांकि ये हनुमान मंदिर ही है, और लेकिन सारे भगवान शिव जी भी है, सारा ही है, बड़ा कंपाउंड ही है। अच्छा लगा, बहुत मन को प्रशांति मिलता है ये सब, ये देखिए मन को प्रशांति मिलता है ये साफ सुथरा वाला वो मंदिर कंपाउंड देखने से। ये बहुत सही से ये झंडा है, हमारा नेशनल फ्लैग है भारत का, ये सामने है, और इसके जस्ट साइड में ये शिव जी का मंदिर है। मैं शिव जी का मंदिर में अंदर एंटर नहीं किया, और ना अभी तक नहीं, ये मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं वॉइस ओवर में, ये मैं बाहर से, हाँ अभी शिव जी का मंदिर देखेंगे। ये मंदिर का हनुमान मंदिर का बाहर में ये शिव जी का प्राचीन शिव मंदिर है, मैं बाहर से प्रणाम किया, क्योंकि ऑलरेडी हनुमान मंदिर में मैं शिव जी को प्रणाम करा था। ये बाहर से ये आके मैं जगन्नाथ मंदिर भी आ गया, जो त्यागराज स्टेडियम का सामने है, लोधी मेट्रो स्टेशन में, लोधी रोड मेट्रो स्टेशन, सॉरी मेट्रो स्टेशन है लोधी रोड, जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ये तुलसी का पौधा है। श्री कृष्ण मंदिर है जगन्नाथ जी का, उड़ीसा का पुरी का आर्मी में बनाया हुआ है, पूरा पुरी जैसा ही पंडित वगैरह भी है उड़ीसा से, बहुत ही सुंदर ये बालक रूप है, ये सूर्य भगवान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर व्यूअर्स, बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, बाय बाय।